वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं मीशो रैंडम फाइंड्स हॉल पार्ट वन, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली ना कि एक ही वीडियो में सब कवर करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने का सोचा। और प्रोडक्ट्स बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट इंक्लूड किए हैं, बीइंग ऑर्गेनाइजर, हेयर एक्सेसरीज, होम डेकोर, किचन आइटम्स, कॉफी मग, बहुत कुछ है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही वायरल थे तो मैंने ऑर्डर कर ली। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जब भी पार्ट टू आए और जब भी ऐसी और भी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। सो मैंने सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर ली है ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको ये प्रोडक्ट दिखा पाऊँ, और सारे प्रोडक्ट के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन केस यू वांट टू चेक आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। और सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, इसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पे, तो सोचा क्यों ना इसको ऑर्डर किया जाए क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था एज अ होम डेकोर पीस, और बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ना ये मीशो में सबसे ज़्यादा सस्ता था, इसलिए मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया। और ये है क्विक सैंड फ्लो। ऑल्दो मैंने सोचा था कि ये बैटरी ऑपरेटेड होगा पर ये नॉर्मल सैंड फ्लो है, थोड़े अलग डिज़ाइन में विद हीटर तो ज़्यादा सुंदर लगता है। जो होम डेकोर या ऑफिस टेबल डेकोर में बहुत सुंदर लग रहा है तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो और प्रोडक्ट लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो है कोरियन स्टाइल हेयर एक्सेसरी, और कोरियन स्टाइल किसको नहीं पसंद यार, इतने क्यूट होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है या नहीं कमेंट्स में बताना। ये है कोरियन स्टाइल हेयर बो जो कि थोड़े ओवरसाइज होते हैं और इसमें आपको ये 6 कलर्स मिल जाते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको एक लगा के दिखाती हूँ। आप इसका साइज देख सकते हो कितना बड़ा साइज है, ऑल्दो ये यहाँ पे लगाने से ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइक बैक में थोड़ा सा एक पोनीटेल बना के उसके ऊपर लगाओ ना तो बहुत सुंदर लगेगा। मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसके साइज का पता चल जाए। क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सैटिन कपड़ा है तो आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसकी क्वालिटी एंड इसका लुक दोनों ही मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर बताना। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना ये अपकमिंग सीजन में बहुत ज्यादा काम आता है और बहुत ही यूजफुल है, तो जल्दी से गेस करो कि कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ये है बहुत ही क्यूट प्रिंटेड अम्ब्रेला, तो इसमें ना और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, मुझे ये कलर सबसे अच्छा लगा। इसमें और बेयर, टेडी बेयर बने हुए हैं, कपकेक्स बने हुए हैं। जब मैंने इसको ओपन किया ना तो ऐसे कुछ ब्लैक कलर दिखा तो मुझे लगा मेरा पोपट हो गया कि सिर्फ कवर प्रिंटेड है और अम्ब्रेला ब्लैक कलर का है, बट जैसे मैंने इसको पूरा ओपन किया तब मुझे समझ आया कि नहीं, पूरा अम्ब्रेला भी प्रिंटेड है। और इसका जो हाइट है ये भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जैसे इसको ओपन करो ना बहुत ही क्यूट लगा। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। या मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैं इसको पक्का रख रही हूँ, और आप इसको खरीदने वाले हो या नहीं ये भी मुझे बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना ये भी इंटरनेट में बहुत ज़्यादा वायरल है, ये है ऑर्गेनाइजर, कार्टून ऑर्गेनाइजर आप बोल सकते हो। ऑल्दो मैं शॉक थी इसकी क्वालिटी देख के, मुझे लगा था क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट हाँ साइज थोड़ा छोटा है मीशो में जो पिक्चर दिखाया है उसके कंपेरिजन में, बट मुझे काफ़ी यूजफुल लगा। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो, आप इसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो काफ़ी अच्छा, और आप ना इसका शेप भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकती हो, काफी क्यूट सा ऑर्गेनाइजर है और होम डेकोर की तरह भी काम करेगा। तो ये चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना इसको मैंने ऑलरेडी यूज करने स्टार्ट कर दिया, ये है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें ना ऐसे सेक्शन बनाए हुए हैं छोटी इयररिंग्स के लिए या फिर पेंडेंट वगैरह के लिए, और नीचे आपको एक बड़ी इयररिंग्स के लिए भी सेक्शन मिल जाता है, तो मुझे लगता है ये ट्रैवलिंग के लिए या फिर ऐसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, और लुक वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ऑलरेडी अपने ज्वेलरीज में ऑर्गेनाइज कर भी लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, तो मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना ये तो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बॉक्सेस में आए, और जितनी क्यूट इसकी पैकेजिंग है ना उतनी क्यूट ये प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अगेन कोरियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। और ये है 6 पेयर ऑफ इयररिंग्स जो भी काफ़ी ट्रेंडी है और समर्स में तो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं, वीडियो में आपको क्लोज लुक दिख जाएगा। तो गाइस ये था हमारा पार्ट वन ऑफ मीशो फाइंड्स हॉल, आपको
आपको कैसा लगा जरूर बताना, और पार्ट टू के लिए स्टे कनेक्टेड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको जल्दी जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि इन प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा और कौन सा प्रोडक्ट आपको ठीक ठाक सा लगा, और शेयर इट विथ योर लव्ड वंस एंड रीशावरिंग योर लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।